ओके, तो फिर अब यहाँ से हमने फाइल को जाना है और यहाँ से क्लिक करके क्या कर देना है, अब डेटा को हमें एक्सपोर्ट करना है। तो जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे, चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करके टेक्स्ट एलिवेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे, हम आएंगे इस फोल्डर में ब्लॉसम के, उसी फोल्डर में आके हमें इस stdata.txt के नाम से फाइल को सेव कर देना है। तो ये दोनों फाइल को आपने इसी तरह से करना है। अब चाहें तो एक्सेल की फाइल को भी बंद कर दें और टेक्स्ट फाइल को भी बंद कर दें। अब आएंगे हम फोटोशॉप के ऊपर। ओके, अब इस पर आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले हम इमेजेस में जाएंगे और यहाँ पर जाके वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे। एक एक वेरिएबल को, अब समझ में आ रहा है वेरिएबल? वेरिएबल समझ में आ रहा है? तो मैं नहीं आ रहा होगा, तो मैं समझ में आ रहा है वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? हाँ, तो वेरिएबल वही है, एक ही बात है, कोई अलग चीज़ थोड़ी है। अब वेरिएबल को सेट करेंगे। कैसे वेरिएबल को सेट करेंगे? डिफाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके डिफाइन में यहाँ पर हमारे पास जो हमने इसके नाम रखे थे, इनको वेरिएबल पे सेट करेंगे। कैसे? नेम वाले को टेक्स्ट रिप्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे नेम के साथ, क्योंकि एक्सेल में हमने कॉलम का नाम क्या रखा था, तो नेम को नेम वेरिएबल के साथ सेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, क्लास को क्लास वाले वेरिएबल के साथ सेट कर देंगे। और तीसरा क्या था हमारे पास? एडमिन डेट को एडमिन डेट वाले वेरिएबल के साथ क्या कर देंगे? सेट कर देंगे। तो डेटा वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि फिर आगे समझ में आ जाती है चीज़ आसानी से। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे ये डिफाइन हो जाएंगे। फिर इमेज में जाएंगे, वेरिएबल पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे? डेटा सेट पे क्लिक करेंगे। डेटा सेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे? इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट करके वो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और वो जो आपने उस फोल्डर में ब्लॉसम वाले में टेक्स्ट फाइल बनाई थी, उसको यहाँ से डेटा के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही लोड करेंगे, यूज़ फर्स्ट कॉलम फॉर डेटा सेट नेम पे रखेंगे और क्या करेंगे? इसको ओके कर देंगे। फिर उसके बाद क्या कर देंगे? ओके कर देंगे। अगर कोई एरर नहीं हुआ तो कोई एरर नहीं आएगा और ओके इजीली हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से जाएंगे अप्लाई डेटा सेट पे क्लिक करेंगे और देखें आपका डेटा आपके सामने शामिल आ जाएगा। प्रीव्यू पे चेक लगा के रखें। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे फाइल में जाके सेव कर देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास और स्टूडेंट आकर नया डेटा डालना है तो क्या करेंगे? सिंपली सबसे पहले उसी फोल्डर में जाएंगे। उस फोल्डर में जाने के बाद क्लिक करेंगे, एक्सेल की फाइल को हिट करेंगे। एक्सेल की फाइल जैसे ही आपके सामने ऐड होगी, उसमें नया डेटा डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके नया डेटा डालेंगे, सपोज अभी सैयद मोहम्मद अली, और यहाँ पे हमने लिख दिया राशिद अली। काशिफ अहमद, ठीक है, सेव कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सेव करने के बाद ऑलवेज आपने फिर क्या करना है? सेलेक्ट करना है, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करके चेंज फाइल टाइप में जाना है और यहाँ से क्लिक करके टेक्स्ट एलिमेंटेड पे क्लिक करना है और सेव एज कर देना है। अब वो फाइल तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो उस फाइल पर क्लिक करना है और उसको क्या कर देना है? सेव और रिप्लेस कर देना है। जैसे ही रिप्लेस करेंगे, फाइल अपडेट हो जाएगी, इसको यस कर देना है, देन इस फाइल को क्लोज कर देना है। फोटोशॉप में आना है, इमेज में जाना है और अप्लाई डेटा सेट पर क्लिक करने से पहले वेरिएबल में जाना है, डिफाइन सेट पर दोबारा से जाना है। डिफाइन डेटा सेट पर जाके जैसे आपने पहले इम्पोर्ट किया था, वंस अगेन इम्पोर्ट करेंगे, सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके उसी फाइल को जिसको अभी अपडेट किया है और ओके करेंगे और ओके करेंगे। और यहाँ पर जाके जब अप्लाई डेटा सेट पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो देखें नए डेटा भी इसके अंदर ऐड हो चुका होगा। सही है, समझ में आ गई बात? ये अब ये तो बनी एक ही फाइल जिसपे डेटा यहीं डिस्प्ले हो रहा है। अब सबके कार्ड अलग अलग कैसे करेंगे? तो सबके कार्ड अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे,